नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे एक फ्रेंड समर्थ जी आए हुए हैं, जिन्होंने बीटेक किया है इंजीनियरिंग कॉलेज से तथा 2 साल इन्होंने एज ए लेक्चरर काम किया है। आज हम इनसे कुछ नॉलेज लेंगे तथा अपने ज्ञान को इंक्रीज करेंगे। समर्थ जी नमस्ते। समर्थ जी, यह बताइए कि आपका जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जी तो मेरा फील्ड है कॉमर्स का, जी तो आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? देखिए, दुनिया में जैसे ज्यादातर जो चीजें चल रही हाँ हैं वो सब जी, विद्युत से चल रही हैं। बिजली विद्युत से, बिजली से चल रही हैं ज्यादातर आपकी? चीजें दुनिया में बिजली से चल रही बिजली से हैं। चल रही हैं। अब बिजली जो प्रवाहित हो सकती है, जो बह सकती है, ठीक है वो धातु में बह सकती है ठीक विज्ञान है, के अनुसार। विज्ञान के अनुसार। तो धातु में बिजली बहती है, इसका जो अध्ययन है इसको तो कहते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कि करंट वाया करंट थ्रू मेटल्स, मेटल्स, स्टडी ऑफ करंट इन मेटल्स मेटल्स। इज इलेक्ट्रिकल, यानी अच्छा, कि धातु से, धातु में जो बिजली बह रही है वो इलेक्ट्रिकल वो है, इलेक्ट्रिकल है ठीक है मुख्यतः धातु। ठीक है लेकिन जैसे जैसे साइंस बढ़ती गई ठीक है। तो ये हुआ कि धातु अधातु दो चीजें होती हैं, मेटल और नॉन नॉन मेटल। मेटल, जैसे जो वुड है वो नॉन मेटल वो है, नॉन मेटल है। ठीक है। और मेटल हो गया जैसे लोहा है, कॉपर है, चांदी है, बिल्कुल बिल्कुल ये एल्यूमिनियम है, बिल्कुल ये सही, सब जो है मेटल है। मेटल है। तो एक और पदार्थ की खोज हुई, वो है सेमीकंडक्टर, इसे सेमीकंडक्टर, हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक। जी ठीक जी है जी ठीक तो अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है, ठीक है। उस अशुद्धि को मिलाने से क्या फायदा होता है, वो मेटल से भी ज्यादा अच्छी बिजली उसमें प्रवाहित हो सकती है। अच्छा, कुछ मतलब कि उसमें कुछ मतलब मिला दिया, मेरा जैसे वो हम क्या मिलाते हैं उसमें? बोरॉन मिला दिया बोरॉन, बोरॉन, जैसे, ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसमें जो है और भी ज्यादा क्वालिटी क्वालिटी, क्वालिटी आ उसमें जाएगी, और भी ज्यादा बिजली भरेगी बिल्कुल मेटल के बिल्कुल मुकाबले। बिल्कुल तो बिल्कुल सेमीकंडक्टर का सबसे अच्छा फायदा यही है अर्धचालक का, बिल्कुल कि इसमें जो है आप बिजली और भी ज्यादा तेज फ्लो कर सकते हो। एक चीज तो इस इलेक्ट्रिकल जो है वो है मेटल से ठीक करंट है बहना, ठीक है और सेमीकंडक्टर में करंट कैसे बह रहा है बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा, कैसे बह रहा है, इसकी खोज करना, इसको रिसर्च करना, हाँ इसको एनालाइज करना कि हाँ कैसे ये बह रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर का अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक्स वो कहाँ और से कहाँ तक मेटल। इसका एरिया है, मतलब कहाँ से, जैसे हम इसकी डेफिनेशन दिए, जो हम रिसर्च करते हैं कैसे करंट बह रहा है, इसका कहाँ तक एरिया है, कहाँ तक हम रिसर्च करते हैं इसकी, जैसे आप बहुत सारी चीजें, देखिए टेलीविजन भी रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी है, दुनिया में जितने एसी भी, भी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है, ठीक है, आप फैन चला है, फैन भी मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। बिल्कुल 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 हाँ, ये फैन जो चल रहा है ये है तो मूलतः इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल है। हाँ, लेकिन ये जो कैमरा जो रिकॉर्डिंग कर रहा हाँ है जी हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी है, है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, कंप्यूटर का कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लैपटॉप सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका डिजिटल घड़ियां सारी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल कैलकुलेटर आपका सारा बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जो डिजिट मशीन से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ऐसा है? मशीन के अंदर जहां पर आपका काले रंग का आपका एक आपको दिखता होगा, जैसे आप रिमोट खोलो ठीक है। या हाँ मोबाइल खोलो हाँ वो एक तो मशीन सी काले सेटअप रंग की है। एक चीप दिखती है, हाँ हाँ तो बिल्कुल, वो एक्चुअल में उसे बोलते हैं आईसी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो उसके अंदर करोड़ों ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बल अंगूठे जितने नाखून में आपके 10 करोड़ ट्रांजिस्टर आ सकते हैं। तो इतना सूक्ष्म अध्ययन है एटॉमिक लेवल का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ तक जाती है और इससे भी ज्यादा जाती है।